प्रयागराज त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम लगन बिहार गेस्ट हाउस में रखा गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर किन्नर आखाड़ा कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात त्रिवेणी संगम सेवा समिति की अध्यक्ष कामिनी गुप्ता जी ने मंच पर कौशल्यानंद गिरी माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही कार्यक्रम में शामिल मातृशक्तियों ने तालियों के स्वागत किया। इस तीज कार्यक्रम में डांस एवं बेस्ट मेहंदी व अन्य प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर कामिनी गुप्ता जी के साथ समिति की सभी मातृशक्ति एवं समिति के संस्थापक सचिव दिनेश यादव के साथ प्रदीप भारती विजय रावत स्वामीनाथ संतोष तिवारी पप्पू भाई व समिति आदि सदस्यगण एवं मातृशक्ति उपस्थिति रही। प्रयागराज से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। मीठी तालियों के साथ उनका आगमन हो रहा है। तालियां हम चाहेंगे कि हमारे जजेस भी तालियां बजाते रहे और टीना माँ का स्वागत करें। परम आदरणीया श्रीमती कौशल्यानंद गिरी और टीना माँ महामंडलेश्वर की वंदन करता हूँ। आपके साथ जो भी प्रशासनिक लोग हैं, आपकी सेवा में लगे हैं, उनका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन कर। पहले दीप प्रज्वलन हो जाए। किसी के पास माचिस है? चौधरी जी कृपया मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करें। माल्यार्पण की जो हमारी तीन जजेस हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि आज कृपया माँ का बारी बारी से जूही सक्सेना जी, लोनू वर्मा जी ताली बजती रहे। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, बहुत ही कम देखने को मिलता है। कैसी महान शख्सियत हम सब के बीच में उपस्थित है और आप माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं। राखी श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कृपया मंच पर आ जाएं। राखी श्रीवास्तव जी आप मंच पर आ जाएं। प्रीति जी, जूही सक्सेना जी, रेणु सक्सेना जी काली पाने कृपा करें। साथ में आप लोग उस साइड आ जाएं। आप लोग कृपया महिला इधर आ जाएं। तालियों के साथ जय भैया की जय। मोमबत्ती दीजिए। संपूर्ण मातृशक्तियों का यह कार्यक्रम है। हम सब आपकी सेवा भाव के लिए यहाँ उपस्थित है। बाकी ये मातृशक्ति का कार्यक्रम है। त्रिवेणी संगम सेवा समिति में मातृशक्ति और पुरुष वर्ग की सहभागिता है, तो हम किसी को छोड़ नहीं सकते। अपने साथियों को, अपने भाइयों को पूरी श्रद्धा लगन से हर कार्य में आप सबकी उपस्थिति होती है, तो इस कार्य में भी कुछ व्यक्ति, कुछ पुरुष वर्ग भी यहाँ उपस्थित है और उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। अतिथि महोदया का और उन में से विशेष समय निकालकर त्रिवेणी परिवार के प्रांगण में उपस्थित हुई है। तो प्रथम नृत्य जिसका है, क्या नाम बताया गया? रश्मिका जी। मंडल अध्यक्ष सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बाकी जितने लोग हैं अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए फोटो खिंचवाने के बाद।
सब बारी बारी से आके साथ में बोलिए, मैं नारी शक्ति कहूंगी, आप लोग जिंदाबाद कहेंगे, ठीक है? नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। आज त्रिवेदी संगम सेवा समिति के तत्वाधान में नारी तालिका की महोत्सव कार्यक्रम रखा हुआ है। सबसे पहले तो सम्मानित हमारे साथ में मंच शेयर करे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण को मैं साधुवाद कहती हूँ। संस्था के अध्यक्ष कामनी गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। संस्थापक और सचिव दिनेश यादव जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। और आज का जो कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं हमारे संचालक जी, बहुत अच्छा और बहुत मधुर वाणी से आप कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं, तो आपको भी मेरा साधुवाद है। और आज का कार्यक्रम को जो विशेष बनाता है मातृशक्ति, जो इतना जिम्मेवारी होने के बाद भी एक बहू भी है, आप माँ भी है, सास भी है, ननद भी है, बहन भी है, ढेर सारी। सोनी भारतीय कृपया मंच पर आ जाए, सोनी भारतीय आ जाए, अभी उनका सॉन्ग आ जाइए। सोनी भारतीय जी, तालियों से स्वागत। अपनी चरण पादुका रखी है और आप मुख्य अतिथि माता जी, मैं आपको याद दिला दूं कि 30 अप्रैल 2023 को यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और हम लोगों के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आपकी उपस्थिति हुई है। विशेष आभार आपका, हमेशा ऐसे ही आप अपना हाथ हम सब बच्चों के ऊपर रखे रहे, हम सब के मार्ग कार्य प्रशस्त होते रहे। विशेष मंचासीन सभी पदाधिकारियों का आए हुए गणमान्य। कृपा कटाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरा तदी
आज त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज में आप तीज के महोत्सव कार्यक्रम में आई हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे प्रयागराज से? जी जय श्री महाकाल। त्रिवेणी संगम सेवा समिति के तत्वाधान में हरितालिका तीज का ये कार्यक्रम रखा गया है महेवा में। तो सबसे पहले तो मैं हरितालिका तीज का हमारे बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ये हमारे नारी शक्ति को एक दर्शाती है ये त्यौहार, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि नारी एक धरती माता के जैसी होती है, बहुत लगनशील और बहुत सहनशीलता नारीत्व में होती है। तो यही चीज़ दिखाता है कि समाज को और परिवार को कैसे लेके चलना है, हमारे बहनों से सीखना चाहिए। क्योंकि एक पति के लिए ये व्रत रखती है, पति के दीर्घायु के लिए और ये परिवार के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग को सीखने को मिलता है त्याग और समर्पण। त्याग और समर्पण की बातें करें तो हमारे बहनों से सीखें। हमारे बहनों अपने परिवार के लिए कितना त्याग करती हैं और अपने पति के लिए कितना व्रत रखती हैं, तो ये पति के दीर्घायु के लिए हैं। और भोले बाबा से मैं यही कामना करती हूँ कि मेरे बहनों लोग का हर मनोकामना पूर्ण हो। और मेरे बहनें लोग आज बहुत सज धज के आई हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। नज़र ना लगे, सबको काला टीका लगाने की ज़रूरत है। और मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। ऐसे ही आपके जीवन में खुशियाँ आवे। आप लोग नारी हो, हम लोग की सनातन धर्म में नारी को ही नारायणी माना जाता है और हम लोग की सनातन धर्म में दुर्गा माँ का रूप ही नारी का रूप है। तो आप लोग को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप लोग शक्ति हो, आप लोग लक्ष्मी हो और आप लोग विद्या की देवी सरस्वती माँ भी हो। तो ये तीनों का ये समागम हमारे प्रयागराज में है। तो तीनों के समागम आज हमारे यहाँ महिमा में हो रही है। बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रही है। बहुत बहुत बधाई। इस संस्था के सभी मेंबर को मेरे दिल से साधुवाद है। जय श्री महा। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं कौशल्यानंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की मैं सदस्य हूँ। जय श्री महा।